एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी। और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है, लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए, इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने, गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था, कहां कहां वीरानियां नहीं आई फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम। लेकिन वो यहूदी कहता है हमने हजार बार इस दरख्त को तोड़ा है लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए दो बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थेसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाएं जलाई गई, सब हुआ है, लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता, ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते हैं। हजारों इख्तिलाफात होते हैं लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं।